नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश के यूपी एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा यू तो बहुत विकसित है, बहुत ज्यादा वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें दिखती हैं, चमचमाती गाड़ियां दिखती हैं, लेकिन क्या सामान्य लोगों का भी विकास हुआ बीते 5 साल में? इस पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ खंगालेंगे कि आखिर विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे, एक विधायक जी का पक्ष रखेंगे तो दूसरे वो होंगे जो विधायक जी की कमियों को खुलकर सामने रखेंगे, मुख्य विपक्षी चेहरा और उसका एक नुमाइंदा, वो भी हमारे साथ बैठेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जनता भी जुड़ सकती है। तो जेवर विधानसभा की आज हम बात करेंगे। जेवर विधानसभा गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर आती है, गौतम बुद्ध नगर जिला, जहां के सांसद हैं महेश शर्मा। महेश शर्मा सांसद हैं और जेवर उसके अंदर आने वाली एक विधानसभा है। जेवर विधानसभा का क्या हाल है इसको जानेंगे, इसको समझेंगे। और आपको बता दो कि जेवर विधानसभा के विधायक हैं धीरेंद्र सिंह। धीरेंद्र सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता। धीरेंद्र सिंह ने 48% जो मत पड़े थे 2017 में, उसमें जीत की थी, उसमें जीत का शंखनाद बजाया था बीजेपी की तरफ से। ऐसे में बेदराम भाटी को हराया था जो कि बहुजन समाज पार्टी से थे और रनर अप रहे थे। कितने वोटों से? तो वोटों से हराया था, दरअसल 22,000 का मार्जिन था। तो 22,000 वोटों का मार्जिन, एक बड़ा मार्जिन। ऐसे में धीरेंद्र सिंह ने इतने बड़े मार्जिन के साथ हराने के बाद जब जनता ने उन पर इतना विश्वास किया तो क्या आखिर उन्होंने जनता को सच में कुछ दिया? इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले धीरेंद्र सिंह के बारे में बताते हैं कि धीरेंद्र सिंह के पास 5 करोड़ से ज्यादा की एसेट है और धीरेंद्र सिंह के पास 6 करोड़ से ज्यादा की लाइबिलिटीज है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात दरअसल यह है कि उनके हलफनामे में लिखा है कि उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। तो बिना क्रिमिनल केस वाले ये विधायक जी हैं जो बिल्कुल एक भी दाग इनके ऊपर नहीं है। तो जो पैसा है धनवर्षा तो बहरहाल खूब हुई है, 5 करोड़ का एसेट है, 6 करोड़ की लाइबिलिटीज हैं धीरेंद्र सिंह के पास। लेकिन क्या धीरेंद्र सिंह ने वेदराम भाटी को जब हराया था और जिन वादों और दावों के साथ धीरेंद्र सिंह आए थे, क्या उन्हें पूरा किया? इसको जांचेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जल्दी मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बस होने को है, जनवरी के पहले हफ्ते में ही इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि इसका जो ब्रह्मनाद है वो भी हो चुका है, क्योंकि आईटी की रेड पड़ना शुरू हो गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रेड मारना शुरू कर चुके हैं। अब सीबीआई की रेड भी होगी, बाकी चीजें भी होंगी। चुनावों के लिए कहा जाता है कि जब रैलियां शुरू होती हैं तब शंखनाद होता है, लेकिन जब सीबीआई आईटी इन सब की रेड पड़ती है तब जाकर कहीं ब्रह्मनाद होता है। तो शंखनाद हो चुका है, ब्रह्मनाद हो चुका है, अब बचा है तो बस असली दांव, असली खेल, और वो है इलेक्शंस। चुनाव होंगे, चुनाव में वोट पड़ेंगे, बाद में जब मतपेटियां खुलेंगी तो क्या किसकी किस्मत खुलेगी, इस पर चर्चा है। 403 विधानसभा है, सब पर बातचीत करेंगे और सबको जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उससे पहले विजुअल्स में चाहूंगा कि विजुअल्स एक बार दिखा सके, उसके साथ ही हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं, यूपी एडिशन है ये आपका मेरा गांव मेरा देश है का। विधानसभा से आपको थोड़ी सी झलक दिखवाते हैं कि जेवर विधानसभा आखिर दिखती कैसी है। तो खूबसूरत विधानसभा है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के साथ विकास जो है वो भी खूब दिखता है, बखूबी नजर आता है। ऐसे में मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमान पर सीधे पहुंचेंगे, मेहमानों से आपका तारुफ भी कराऊंगा। तो जो मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले विजुअल्स पर ही रहेंगे। तो विजुअल्स ये देखिएगा, विजुअल्स जो है वो कैसे हैं। तो ये जेवर विधानसभा खूबसूरत विधानसभा है ग्रेटर नोएडा की, जहां पर आपको हम दिखवा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर विकास हुआ है। विकास पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो श्याम सिंह भाटी जी हमारे साथ सपा के नेता हैं और साथ ही साथ नीरज कुमार भी जुड़ेंगे बीजेपी से। तो श्याम सिंह भाटी जी पर सीधे आना चाहूंगा। श्याम सिंह भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश है में। धन्यवाद धन्यवाद श्याम सिंह भाटी जी। सबसे पहले तो एक विपक्ष का चेहरा होने के रूप में आप ये समझाइएगा कि विधायक जी ने जेवर विधानसभा के लिए क्या काम किए और आपको क्या लगता है कि उनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि वो बता रहे हैं वो दरअसल उपलब्धि नहीं है, उसमें काफी पेच है, काफी लूप होल है, जरा इसको खुलकर बताइएगा। नहीं, उपलब्धि तो कुछ है नहीं भाजपा सरकार में, पूरे उत्तर प्रदेश में जेवर में क्या जो काम हुए उनकी सरकार में हुए, इन लोगों ने केवल फीता काटे गांवों को। और आप देख लीजिए कोई भी वर्ग, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति जो है इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। और जिस काम को एक बहुत बड़ा काम बता रहे हैं जेवर एयरपोर्ट,
उसकी भी हालत आप देख लीजिए, जो उससे प्रभावित लोग हैं, जो जिन लोगों की उस प्रोजेक्ट में जमीन गई है, आज भी जो है नहीं, प्रोजेक्ट से फायदा भी तो काफी होगा, फिरने को मजबूर, प्रोजेक्ट से रोजगार भी मिलेगा, प्रोजेक्ट से आर्थिक लाभ भी मिलेगा, तो ये चीज है। देखिए आर्थिक लाभ तो जो है जो मिलना चाहिए, जो भूमि अधिग्रहण कानून बना था जो 2014 में लागू हुआ था, उसका ये मतलब था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें तो 4 गुना मुआवजा मिलेगा लोगों को, और क्षेत्र है उसमें 2 गुना सर्कल रेट का। लेकिन भाजपा सरकार ने जो है ये बहुत बड़ा खेल किया है, इन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको भी जो है ग्रामीण नहीं माना, जिससे जो है मुआवजा मतलब आधा ही मिला है, मुआवजा 4,000 होना था, एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन इसका दूसरा साइड, दूसरा एंगल भी है ना इसका, कि विकास भी तो है, जेवर एयरपोर्ट बनेगा, विकास भी तो है। ऐसा है देखिए, विकास तो बहुत अभी बहुत दूर है, जिसको अभी ये लोग जो है लोगों को एक आईना एक सपना दिखा रहे हैं लोगों को। सपने तो आपने भी काफी देखे, आप भी तो उन्हीं सपनों को, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सपना भी तो आप ही ने देखा था, पूरा इन्होंने किया ना? नहीं तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने तो बना के दिया था। नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपने थोड़ी ना बनवाया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आपने थोड़ी किया था, आप तो कहते हैं सपना देखा। शुरुआत तो हमने की थी, वैसी शुरुआत ये लोग भी कर रहे हैं, वैसी शुरुआत बीजेपी वालों ने भी जेवर के लोगों के लिए की होगी, हो सकता है। लेकिन जो जो प्रभावित है उस परियोजना से, जो उस प्रोजेक्ट से प्रभावित है, वो संतुष्ट नहीं है, वो तो अभी बहुत सारे लोग जो है दबाव में है। आप देखिए धरातल पर जाके देखिए, जिनको मुआवजा मिलना था उनको मुआवजा नहीं मिला, जिनको जो गांव जो है इधर से उधर इन्होंने हटाए हैं उनके मकान नहीं बने। चलिए ठीक है, वो लोग तो नाराज हैं जेवर में, लेकिन वो लोग भी तो हैं जिनका मुआवजा से कोई मतलब नहीं था, जिनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ था, वो लोग तो विकास के नाम पर वोट दे देंगे, ऐसा लगता है? नहीं नहीं देखिए, ऐसा है, असली असली जो चीजें जो जिसको ये विकास बता रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस पर बात करिए ना। हमने जो एयरपोर्ट को वहाँ शुरुआत कर दी, अभी तो एयरपोर्ट का वहाँ पत्थर ही नहीं लगा, अभी तो ये पता नहीं किधर वही तो मैं बात कर रहा हूँ, पता तो नहीं होता, लेकिन सरकार शुरुआत तो करती है, पहली ईंट तो लगाने का काम कर रही है ना। आपको भी कुछ पता नहीं था, आपने भी तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर आपने भी तो सपना देखा, आपने भी तो शुरुआत करी। नहीं नहीं, जिस हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत की तो कम से कम हमने पत्थर तो लगाया शिलान्यास का, और जो पत्थर ही तो लगाया है। नहीं नहीं, अभी तो इसका शिलान्यास का पत्थर ही गायब है, अभी तो पता ही नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे आप बताइए। अच्छा नहीं, आपको तो आप धरातल पर, पिछली बार रनर अप भी बसपा से थे, आप थे भी नहीं। ये तो अलग अलग वो है, हर विधानसभा की अलग अलग परिस्थिति है। नहीं, पिछली बार आप सेकंड नंबर पे भी नहीं थे, तो इस बार लग रहा है कि सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर तक पहुंच पाएंगे? आपको तो पहले सेकंड नंबर पे पहुंचना है, फिर फर्स्ट नंबर पे पहुंचना है। फर्स्ट नंबर पे पहुंचने, सेकंड नंबर पहुंचने की जरूरत नहीं है इस बार, जनता इनसे पूरी तरह से। बार आप सेकंड नंबर पे भी नहीं थे, तो मैं कह रहा हूं कि पहले तो सेकंड नंबर को फिल करना है, फिर फर्स्ट नंबर को फिल करना होगा। तो ये देखो, राजनीति में आप तो पत्रकार लगातार लोगों से मिलते रहते हैं, देख तो इसमें राजनीति में ये पता थोड़ी है कि कौन कब कहां चला जाए, बताइए भाई। उस समय परिस्थिति अलग थी चुनाव की, इस समय परिस्थिति अलग है। इस समय वही तो कह रहा हूँ, इस समय तो जेवर जो विधानसभा है वो सबसे ज्यादा चर्चा में रही है, इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि जेवर में एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है, बड़ी शिलान्यास हुआ, बड़े इवेंट हुए हैं, बड़े चुनावी फंक्शंस हुए हैं। रैली की आप सच्चाई पता कर लो ना, कैसे बड़ी रैली हुई है भाई। सारा प्रशासन, सारा शासन, सारा जितना भी सरकारी तंत्र है उस रैली में लगा, लोगों को पैसे दे दे के बुलाए गए लोग। तो 2014 के बाद हमने अमूमन यही देखा है, 2014 के बाद से हर किसी की रैली में भीड़ दिखती है, यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी की रैली में भी भारी भीड़ देखी गई। तो अब तो ओम प्रकाश राजभर की रैलियों में भी भीड़ होती है, निषाद पार्टी, छोटे छोटे दलों की रैली में इतनी भीड़ होती है भारी भरकम। हम क्योंकि हम समाजवादी पार्टी से हैं और हम पत्रकार, हमें तो इतनी जानकारी है ही कि वही भीड़ बीजेपी की रैली में भी चली जाती है, वही भीड़ सपा की रैली में भी चली जाती है, वही भीड़ बसपा की रैली में भी चली जाती है। देखिए भाजपा की रैली जितनी भी हो रही है, चाहे वो यहाँ जेवर में हुई हो, जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा 50% सीटें वो खाली हो गई थी, और उसमें जो है लेके बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये सारा जो तंत्र है सरकारी तंत्र, उसमें सारे लोग जुट के
जिम्मेदारी दी कोटा धारकों को, प्रधान को, यूडीसी को, कि आपको इतनी भीड़ तो लानी पड़ेगी, जितनी भी वो है आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती, उन सबको जिम्मेदारी दी, उसके तमाम लेटर सोशल मीडिया पर वायरल किए। तो ये तो मतलब जनता जो है पैसे से बुला बुला के ये भीड़ दिखाने का काम कर, जनता इनसे पूरी तरह से तंग आ चुकी है। आप देखिए कि किसी गांव, आप धरातल पर जाके देखिए कि गांव की हालत क्या है, और जो लोग प्रभावित है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तो केवल जो है सपने बड़े बड़े इन्होंने दिखा दिए हैं एयरपोर्ट के नाम पर। ये पूरा क्या समाजवादी पार्टी जेवर में, समाजवादी पार्टी जेवर में क्या ट्रम्प कार्ड खेलने जा रही है? आप क्या वहां के लोगों को आप क्या कुछ बताने जा रहे हैं, क्या बताएंगे वहां के लोगों को, कैसे आएंगे चुनावी मैदान में? एक तरफ जेवर एयरपोर्ट एक बड़ा विकास का मुद्दा, उसके अगेंस्ट में उसको काउंटर करने के लिए आपके पास क्या है? चारों तरफ आप देखिए, जब 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार रही प्रदेश में, तो जेवर के तमाम गांव में और जितने भी शहरी यहां पे जितने भी सेक्टर हैं विधानसभा में आते हैं जेवर में, सबने बड़े स्तर पर विकास, लोगों को रोजगार मिला। विकास के एजेंडे पे आप कैसे, विकास के एजेंडे पे कैसे लड़ेंगे? विकास के नाम पर तो जेवर एयरपोर्ट दे दिया बीजेपी ने जेवर में ही, उस एजेंडे पे कहां लड़ पाएंगे? विकास के एजेंडे पर कैसे टकराव करेंगे? मतलब जेवर एयरपोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट विकास है क्या? उससे पहले कोई विकास नहीं हुआ, बाद में जेवर एयरपोर्ट के अगेंस्ट में आपने कौन सा इतना भारी भरकम विकास किया जिसके नाम पर आप खड़े होंगे, बताइए? आप देखिए ना, जितने उस समय जितने भी विकास में, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई है कुछ, और बड़े बड़े इस प्रदेश में एक्सप्रेस वे बने हैं, जितने भी उस समय जिला विकास प्राधिकरण के जो सेक्टर बने, जितनी भी सड़कें बनी है वो सपा सरकार ने बनी। अभी तो जेवर एयरपोर्ट के काम की शुरुआत ही हुई है, और उसमें आप क्या क्या कहना चाहेंगे बताइए? एयरपोर्ट बना तो है नहीं ना, केवल शिलान्यास हुआ है, तो जब बाकी चीजें तो सपा सरकार में ही है, यमुना विकास प्राधिकरण का शिलान्यास हुआ है ना, वो कह रहे हैं कि अगर दोबारा सरकार आएगी तो पूरा एयरपोर्ट बनाकर तैयार करके दे देंगे, तो लोग क्यों ना उनको वोट दें? तो अभी शिलान्यास तो हो गया है, शिलान्यास हो गया है, वो कह रहे हैं कि एक बार फिर रिपीट करेंगे तो पूरा एयरपोर्ट बना के दे देंगे, तो ठीक है लोग उन्हीं को वोट देंगे ना फिर। आप ये बोलिए, आप ये बोलिए कि सपा की सरकार आएगी तो जेवर में एयरपोर्ट बनाने का पूरा काम हम करेंगे, बोलिए। हाँ हाँ काम करेंगे, ठीक है। तो फिर आप भी फीता काटी नहीं हो गए, आप भी फीता जीवी नहीं हो गए, सपना इनका। अरे भैया फीता आप काटेंगे ना फिर, आप ये बोल रहे हैं? नहीं एक बात बताइए, अभी शिलान्यास ही तो हुआ है। हाँ नहीं नहीं आपने कहा शिलान्यास बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी ने पहला पत्थर वहां पर रख दिया, आप कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम पूरा कराएंगे, मतलब आप भी फीता ही काटेंगे, पत्थर तो लगाएंगे, आप भी फीता ही काटेंगे। अरे आप रुक जाइए, मेरे शब्दों को ना वहां सुन लीजिए। हाँ बोलिए। जब ये काम की शुरुआत हुई, केवल ये कीट लगी, ठीक है, अब बाकी काम हम पूरा करेंगे तो फीता कौन काटे? ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी आपने एक ही ईंट लगाई थी, पूरा काम उन्होंने करा, आपको फीता जी भी क्यों कहते हैं? सुनो, लखनऊ मेट्रो को आप अपना क्यों बताते हैं? लखनऊ मेट्रो एक भी टिकट दिखाइए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की, उस समय के कार्यकाल की, जब किसी ने किसी जगह से दूसरी जगह तक सफर किया हो। नहीं किया ना, सिर्फ फोटो खिंचवाई थी ना, तो सिर्फ फोटो खिंचवाई थी ना अखिलेश यादव ने बैठ के, अखिलेश यादव ने मेट्रो के अंदर बैठ कर सिर्फ फोटो खिंचवाई थी ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है प्रवक्ता हो गए भाजपा। नहीं नहीं मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं कभी कभी, वैसी बात नहीं है, आप भी बात करिए। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम थे, जो नोएडा में भी, जो एलिवेटेड थे गाजियाबाद में भी, पूरा तो हमने किया, शुरुआत हमने की, पूरा जब हमें मौका मिला तो हमने काम किया, हमने ऐसा पूरी अगर रोक दिया ये बताइए। और जिस काम की हम वावल रोकने का काम कर रहे हैं, जो तमाम पूरी तरह जो है हवाबाजी ये दिखी है, ये बताइए कि जो लोग प्रभावित हुए उनसे, उनकी क्या गलती है? हमारे सरकार ने यमुना आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेस वे बना, एक व्यक्ति को इससे दुखी हुआ हो, कोई परेशान हुआ, आप धरातल में जाइए जेवर में, कितने लोग आज भी खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनका जो पुरानी आबादी तोड़ी गई थी।
चले ठीक है, आपने समस्या भी बताई, समाधान भी बताया। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, अगले राउंड में आते हैं। अगला राउंड ये है कि गौशाला तो बहुत बनाई गई, कहा जाता है कि बीजेपी सरकार ने कहा है कि कुछ कुछ किलोमीटर के दायरे में हमने गौशाला दी है, लेकिन आज भी जेवर में जो गाय है वो बीच में दिखती है, बीच में आ जाती है, हाईवे पे काफी दिखती है, इधर उधर आवारा पशु की बहुत समस्या है, तो ये भी मुद्दा बनाया जा सकता है जेवर में? ये तो मुद्दा नहीं है, समस्या है। आप ये देखिए जितने भी गांव हैं, इन लोगों ने गौशाला के नाम पे बड़ा घोटाला इन्होंने किया, चारों तरफ गौशाला बना दी गई और उनमें स्थिति आप देख लीजिए, रोज गाय मर रही है, उनके लिए चारा नहीं है, पानी नहीं है, तो ये क्या मतलब केवल और केवल ग्रामीणवादी तो है ये? यदि आप जिम्मेदारी लेते हैं पालन की तो उन्हें पूरा कराइए। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगता कि अब जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद गृह मंत्री अमित शाह जब दौरों पर हैं, जब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, जब उनकी रैलियां हो रही हैं, रैलियां क्या कहूं, रैले हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि माहौल पूरा बीजेपी के पक्ष में हो सकता है? ये कैसे हो जाएगा, जनता समझ चुकी है इनका क्या कॉपीराइट हो गया है, जनता था कि इनके लिए काम करेगी, जनता अपना भला बुरा नहीं जानती। ठीक है, बताइए इन्होंने जो झूठे सपने दिखा गए, वोट ले लिया और काम धरातल पर कुछ नहीं, तो वो केवल इनके लिए थोड़ी रह जाएगी, वो अपना भरा बुरा अपना भविष्य भी तो देखेंगे, कहां सुरक्षित है उनका भविष्य। ठीक है, लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो तो बीजेपी को वोट दे देगा, लेकिन सपा और बसपा आपस में एक दूसरे के वोट काट देंगे। देखिए बसपा तो कहीं है नहीं स्थिति में, नहीं जेवर में तो है, जेवर में तो है, जेवर विधानसभा में तो है, नहीं जेवर में क्यों, जेवर में कोई विशेष परिस्थिति है इनके लिए? नहीं, वहां पर उनके लोग हैं अभी भी, ऐसे लोग हैं जो अभी भी मायावती जी के नाम पर ही वोट देते हैं, जेवर में है। नहीं ऐसे तो बहुत जगह, लेकिन उन्हें भी दिख रहा ना स्थिति क्या है वहां, जो इस समय जो इन्होंने प्रत्याशी बना रखे उसकी स्थिति तो कहीं ठीक ही नहीं रही, या केवल गठबंधन और भाजपा की लड़ाई रहेगी जेवर में। ठीक है, तो यहाँ पर केवल गठबंधन और भाजपा की लड़ाई है। ठीक है, बीएसपी के कैंडिडेट का क्या है वहां पर सीन, किस तरीके से बीएसपी के कैंडिडेट आपको लग रहा है कि लोगों से जो मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो कुछ लग रहा है उनका माहौल बनता दिख रहा है? उनका तो पूरे प्रदेश में नहीं है, जेवर में क्या रहेगा, पूरे प्रदेश में नहीं है। अब ठीक है, शिक्षा को लेकर बात करते हैं, शिक्षा को लेकर आप क्या कह रहे हैं, जेवर में किस तरह से आंकते हैं आप? शिक्षा पे तो कोई काम ही नहीं किया ना, रोजगार पे इन्होंने काम किया, बताइए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ से चली गई, होंडा होंडा जो कार बनाती थी वो चली गई, मोजर गियर चली गई, कई और बड़ी कंपनी यहाँ से चली गई। कह रहे हैं कि सैमसंग की आ रही है कंपनी, आ रही है इधर पर जेवर में, तो सैमसंग का स्थानीय लोगों के लिए क्या है, वहाँ बोर्ड लगे हुए 250 किलोमीटर बोर्ड के, यदि आपके पास रोजगार मिलेगा, अगर बाहर से कोई भी कंपनी आएगी तो रोजगार तो मिलेगा, किसी भी तरह का रोजगार हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में कोई कंपनी लगे और आपको रोजगार न मिले तो आप क्या करेंगे? किसी भी तरह का रोजगार हो सकता है, अगर कंपनी लग रही है वहां पर तो किसी भी प्रकार का रोजगार हो सकता है, वहां क्या सिक्योरिटी की जॉब्स हो सकती है, इंजीनियर्स की जॉब हो सकती है, जेनेटर्स की जॉब हो सकती है, वहां तो किसी भी तरीके की नौकरी हो सकती है। वहां क्या पकौड़े तलेंगे स्थानीय लोग, ये बताइए, स्थानीय लोग इतने शिक्षित नहीं है, वहाँ पर नौकरी, आप स्थानीय लोगों को कह रहे हैं कि जेवर के लोग इतने योग्य नहीं है कि वहां पर नौकरी कर सके? पूरी बात सुनिए, वहाँ कंपनी वालों ने बोर्ड लगा दिए हैं वहाँ पे कि जो यहाँ पर रोजगार मिलेगा वो 250 किलोमीटर दूर के लोगों को मिलेगा, तो ये तो हमारे साथ जाते हो रही है ना स्थानीय लोगों के लिए। अच्छा, मतलब स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जो 250 किलोमीटर दूर होगा उसको रोजगार मिलेगा? इसके पीछे क्या ट्रिक है, क्या हुआ बताइए, इसके पीछे क्या ट्रिक है? ये तो भाजपा वाले जाना है, इनका क्या मान सकता है? नहीं, अमूमन तो ऐसा होता है दरअसल श्याम जी, अमूमन ऐसा होता है कि जो स्थानीय होते हैं उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, कहीं या प्रायोरिटी नहीं मिल रही, यहाँ तो बाहर खड़े हैं वो लोग गेट के, और जो 500 किलोमीटर दूर है उनको प्रायोरिटी मिल रही है, तो हमें क्या फायदा हुआ स्थानीय लोगों को बताइए? उल्टे जो बड़ी कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी वो भाजपा की जो सरकार बनी है जो अगला मुद्दा है वो ये है कि महिला सुरक्षा और गुंडागर्दी, बताया जाता है कि 2012 से 2017 के बीच जितनी गुंडागर्दी थी उस गुंडागर्दी पर काबू पाया गया है और महिलाएं अब देर शाम भी घर से निकलकर कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह अपने गंतव्य स्थान तक जा सकती हैं, तो महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है।
आज सुबह ही हत्या हुई है वहां पे परिचौक के पास। नहीं, क्राइम को तो आप बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, लेकिन कम हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि कम हुई है। जब FIR दर्ज नहीं हो रही, किसी की बात नहीं सुनी जा रही, तो अपना आप ही कम हो जाएगा। ये बताइए भाई, यदि FIR दर्ज पूरी तरह होने लगे तो फिर सामने आएगी सच्चाई। ये किसी को मुकदमा दर्ज नहीं करता, किसी को भुला देता है उसको थाने से। ठीक है, कॉलर्स भी जुड़ेंगे हमारे साथ, रैंडम कॉलर्स को भी हम लोग लाइन पर लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। और तब तक हम लोग जेवर विधानसभा की हम चर्चा कर रहे हैं, जेवर विधानसभा पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कॉलर से बातचीत करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मेरा गांव मेरा देश है में। ठीक है, मेरा गांव मेरा देश है में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बात रखिए। चलिए ठीक है, शायद आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है। जी ठीक है, अपना नाम बताइए, क्या नाम रहेगा आपका? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। ठीक है, जेवर विधानसभा पर चर्चा कर रहे हैं कि कितना काम पूरा हुआ है, कितना काम अधूरा रह गया है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जेवर विधानसभा में पहले के विभाग में अभी देखा जाए तो 80% काम पूरे हो गए हैं, 20% अभी बचे हुए हैं जो रनिंग कंडीशन में है। मतलब आप कह रहे हैं कि काम हुआ है जेवर में, बीजेपी सरकार के अंडर में काम हुआ है? यस, काम हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र सिंह ने काम करवाया है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, धीरेन्द्र सिंह जी ने करवाया है। यहाँ पर मेरे साथ सपा नेता श्याम भाटी जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, बेड़ा गर्क हुआ है जेवर विधानसभा का। तो श्याम जी, ये तो रैंडम जनता है, फोन नंबर्स देखकर कॉल किया गया है। ये जो उन्हीं की टीम के आदमी, रैंडम जनता नहीं है। नहीं नहीं, नंबर फ्लैश किया गया है तो इन्होंने कॉल। आप जी बात करिए इनसे जरा, श्याम जी से। एक्चुअल में क्या है कि पहले जो खरंजा थे, गांव के जो रास्ते थे, उनसे ईंटों के खरंजे होते थे। अभी सभी में टेल्स लग गई हैं, लाइट पहले 4-6 घंटे आती थी, अभी 16-18 घंटे लाइट आ रही है। पहले पुलिस की जो PCR राउंड होते थे नाइट में, वो भी 1 या 2 कभी कभार होते थे। अभी नाइट में भी PCR के राउंड भी 5-6 तक होते हैं। अगर कॉल करते हैं 100 नंबर को तो 10 मिनट में पुलिस भी आती है, सुनती भी है। थाने में अगर प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो उसको बड़े प्यार से। और सपा के कार्यकाल में क्या, सपा के शासन में क्या समस्या थी? सपा के शासन में पहले पुलिस तो कोई PCR राउंड नहीं लेती थी कहीं पे भी, किसी से जाकर कोई PCR, मतलब गांव में पेट्रोलिंग नहीं होती थी, गांव में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती थी, नहीं होती थी पहले। हमारे भाई जुड़े हैं, अभी इन्हें पता ही नहीं है कुछ। ये जो जितनी PCR जो चल रही है इस समय, वो सब सपा सरकार में ही आई थी। नहीं, आपने सपा सरकार में सब कुछ रहा हो, सब कुछ सपा सरकार में हुआ हो, मैं तो कहता हूँ हर काम सपा सरकार में हुआ, लेकिन सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को कैसे चलाया गया, ये महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए ना, उनमें डीजल नहीं डल रहा है, वो खड़ी है। ऐसा पहले होता था कि डीजल नहीं डलता था, वो खड़ी रहती थी, गाड़ियां निकाल करके भी गई थी। 18-20 घंटे गांव में लाइट आ रही थी पहले, और अब स्थिति आप देख लीजिए, बिल की स्थिति देख लीजिए, जो 300 रुपए बिल था वो 1000 हो गया। लाइट की, बिजली के बारे में, तो बिजली के बारे में तो इतना पता है कि बिजली पहले कम आती थी, अब ज्यादा आ रही है। वो धीरे धीरे जो टावर्स ज्यादा लग रहे हैं उसकी वजह से, ट्रांसफार्मर्स ज्यादा लग रहा है उसकी वजह से, अब गांव-गांव तक बिजली की जो बात की जा रही है वो अब धीरे धीरे विकास तो देश का होता है, पार्टी कोई भी रहे, सरकार थोड़ी ना बदलती है, पार्टियां बदलती हैं जो सरकार में होती हैं। हमारी बात तो सुनिए, जब बिजली का कोई नया उत्पादन शुरू हुआ ही नहीं तो बड़ी कहां से थी, ये बताइए। जो बिल 300 रुपए था वो 1000 क्यों हो गया, ये बताइए। मेडिकल यूनिवर्सिटी कोई बनी हो इस सरकार में, बताइए आप। चलिए ठीक है, तो नहीं, बिजली का बिल तो बड़ा है, एक्चुअल में मैं कुछ बोलना चाहता हूं। नहीं, कॉलर कुछ कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लीजिए, कॉलर कुछ कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लीजिए। हाँ जी कहिए। बिजली का बिल जो बड़ा है, बिजली का बिल बढ़ने का रीजन बता रहा हूं मैं। पहले बिजली का बिल 300 रुपए था, फिक्स, पहले लोड किसी के यहां पे कुछ भी नहीं था, अभी सब फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, AC, ये सारी चीज यूज कर रहे हैं। लोड बढ़ रहा है तो लोड बढ़ेगा तो बिल भी बढ़ेगा, आप जितना यूज करोगे उतना ही आपको देना पड़ेगा। पहले लोगों घर में टीवी नहीं था, पहले AC नहीं था, पहले AC नहीं था, बड़े बड़े कूलर नहीं थे, इन्वर्टर नहीं थे, वॉशिंग मशीन नहीं थी, पहले हाथ से कपड़े साफ करते थे, अभी ये लाइट। ये जो है भाजपा सरकार में यही नई टेक्नोलॉजी, पहले कोई जानता नहीं था टीवी, फ्रिज, AC, पहले लाइट नहीं आने की वजह से इनको लोग यूज नहीं कर पाते थे। वो कह रहे हैं कि लाइट नहीं आती थी इसलिए ये ज्यादा यूज नहीं होते थे, अब लाइट आती है तो ज्यादा यूज होते हैं, जो बिजली से चलने वाले जो उपकरण हैं वो अब ज्यादा यूज आते हैं, ये इनका कहने का ये मतलब है। पूरी लबुलवा भी ये है इनकी बात का।
तो कहां से जब बिजली उत्पादन बढ़ाई नहीं प्रदेश में तो फिर ज्यादा कैसे आ गई ये बताइए, कोई एक यूनिट बड़ी हो तो बताओ कहां उसका उत्पादन हो रहा है। नहीं, अभी पहले उत्तर प्रदेश का कितना लोड था टोटल आप बता सकते हैं मेरे को? आप ये बताओ कि जब कोई यूनिट लगी नहीं उत्पादन की तो फिर आ कहां से गई बिजली, ये बताओ। नहीं, बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि गांव-गांव तक तार छोड़े गए हैं, गांव के आखिरी व्यक्ति तक बिजली पहुंचाई गई है। नहीं, मैं जेवर में कई ऐसे गांव बता दूंगा जहां आज तक बिजली पहुंची नहीं है, बताओ। तो बिजली नहीं पहुंची तो गांव बताओ, मेरे को नाम बताओ, मैं भी जेवर का रहने वाला हूं। नहीं नहीं, ये भैया कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो जितने भी सामान है, टीवी फ्रिज एसी, भले ये 5 साल में लोगों ने देखे हैं, उसके पहले कोई नहीं जानता था इन्हें, इनका कहने का मतलब ये है। नहीं नहीं, उनका कहने का मतलब है कि बिजली नहीं, कम आती थी इसलिए उपकरण कम चलाए जा सकते थे, अब बिजली ज्यादा आ रही है, उपकरण ज्यादा चल रहे हैं, इस वजह से ज्यादा बिल आ जाता है। हम फिर आपको बता रहे हैं, पीछे जो है पिछली सरकार में मीटर भी बहुत कम लगे थे, ठीक है ना? तो अच्छा ठीक है, और आपसे बात जानना चाहूंगा कि जेवर में जो एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है उसकी वजह से वहां पर माहौल क्या है? जेवर में शिलान्यास होने के बाद में जो माहौल है बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है, उससे रोजगार आने का भी रोजगार आ रहा है तो लोगों के अंदर खुशी है। पहले लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाकर के जॉब करते थे, अभी हमें घर के पास में ही जॉब मिलेगी और घर के पास में जॉब कर सकेंगे, बच्चों के साथ में रह सकेंगे, तो इसके लिए खुशी है बहुत ज्यादा। और कोई भी चीज अगर हमारे प्रदेश में क्षेत्र में आती है तो उससे बेनिफिट ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे कि पहले सपा सरकार में एयरपोर्ट जेवर में बनने की बात हो रही थी तो वो क्षेत्र के लिए लेके जा रहे थे कि हम एयरपोर्ट को वहाँ पे अपने आप में बनाएंगे, तो अभी मोदी जी ने क्या कहा कि नहीं, जहाँ पे पहले से ही रोड था एयरपोर्ट वहीं पे बनना चाहिए, और उन्होंने यहाँ पे शिलान्यास किया। चलिए ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ। तो अब मैं बात करूंगा श्याम जी से। श्याम जी, आप देख रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होने के बाद वो बता रहे हैं कि माहौल में थोड़ा बदलाव है, बीजेपी के पक्ष माहौल ज्यादा दिख रहा है। कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, किसी को लेटर मिला है सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी पर क्यों जा रहे हैं? नहीं नहीं, अरे और कहीं की बात, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, आप वो वाली बातें कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय की कमी के कारण आपको यहीं रुकना पड़ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हम बात कर रहे थे जेवर की, जेवर विधानसभा की। जेवर विधानसभा में विधायक जी ने कितना काम किया या कितना काम उनसे नहीं हो सका, इस पर जनता जल्द ही जवाब दे देगी। जनवरी के पहले हफ्ते से पूरी उम्मीद है कि सूचना मिल जाएगी कि कब चुनाव है, चुनाव की तारीख, चुनाव के चरण सब कुछ सामने आ जाएंगे, और फिर चुनाव के बाद जब मतपेटियां खुलेगी तब पता चल जाएगा कि धीरेन्द्र सिंह जी की किस्मत खुली या फिर नहीं खुली। तो इसी पर चर्चा थी आज जेवर विधानसभा से, जहां से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर वहां पर माहौल क्या है, किस तरीके से वहां पर लोगों के जीवन में कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ, बीजेपी सरकार आने के बाद जो दावे किए गए थे क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।